उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में दो मंजिला बिल्डिंग का लिंटर गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे के नीचे 20 मजदूर दब गए, जिनमें से दो की मौत भी हो गई, जबकि 15 को घायल अवस्था में निकाला गया। देर रात तक एनडीआरएफ का राहत कार्य जारी रहा। लिंटर का एक बड़ा हिस्सा काट कर जगह बनाई गई। इस दौरान एनडीआरएफ ने आवाज दी तो मलबे में फंसे मजदूर ने कहा कि वो जिंदा है। देर रात तक टीम उसे सकुशल बाहर निकालने में जुटी रही। एकदम धमाका सा हुआ, उसके बाद पब्लिक भाग कर आई, आसपास गांव के लोग भी जो सुनते यहाँ कस्बे के लोग भी सभी आए। आने के बाद में इसको जैसे गर्दा हल्का हुआ, साइड से जो आदमी थे, जो कुछ आदमी बाहर थे इनके, उन्होंने बताया कि यहाँ पे आदमी है, उनको निकाला गया। 8-9 आदमी लगभग निकाले गए। उसके बाद इतनी ही देर में मतलब कहने के वही प्रशासन आया। प्रशासन के आने के बाद जो मतलब इसमें कार्य चलता रहा, एनडीएफ वाले आए। उसके बाद एक आदमी दबा हुआ था, उसको कटर से काटने के बाद प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया, और एनडीएफ वाले भी और भी सभी लोग बुलाए गए, गाजियाबाद से भी टीम आएगी। मतलब कहने का इसको लैंडर को काट के, काटने के बाद इसमें थोड़ी जगह बना के ऑक्सीजन भी दिया गया, उस आदमी को जिंदा निकाला गया। मैं दोपहर के करीब लगभग 3 बजे करीब आया तो बिल्डिंग में दरारें थी कुछ। मैं घर में जैसे ही मैं खाना खा रहा था, खाना खाते ही जो बहुत बड़ी धमकी जो आवाज आई, मैं जो बाहर निकला बहुत बड़ा गुब्बार था धूल का, बहुत बड़ा, समझ में नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं। जब 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद गुब्बार खत्म हुआ, देखा बिल्डिंग चीख पुकार मच रही है, सब लोग लगे, अड़ोसी पड़ोसी हम लगे, हमने 5-6 लोग निकाले इसमें से दबे हुए। वाले मंड रहे थे निकलवाने के लिए, पब्लिक मंड रही थी यहाँ की जनता, वहां से 6 लोग इधर से निकले, 2 इधर से निकले, बहुत लोग, 2 तो रात ही मर गए थे, एक हाथ कट गया था, पैर कट गया था, उसे रात अस्पताल में एम्बुलेंस से पहुंचाया। पुलिस की बहुत सहयोग रहा, पुलिस बहुत आई है, रोड बंद कर दिए थे, जाम कर दिए थे, जिससे कोई दिक्कत ना हुए। ये रास्ता कहाँ किधर से किधर को जा रहा है और यहाँ क्या काम चल रहा था जिसकी वजह से ये दिक्कत? ये यहाँ एक मशीन है, एक सार करने वाली, उसे बहुत सड़क कूटना बोलता है, उसकी धेल से जेग रपट गया है, एक ही जेग रपटने सारे जेग रपट गए। 2 मंजिल की मंजिल नीचे गिर गई है। ऊपर कुछ लड़के खाना बना रहे थे शाम का, वो खाना बना रहे थे, वे भी दब गए हैं बेचारे। सब लोगों को निकाल लिया गया, प्रशासन आप लोगों को बता रहा था जो आप लोग रात में मौजूद थे, अभी सब लोगों को निकाल लिया गया? जी, अब सब लोगों को निकाल लिया है, अब जो और जख्मी लोग जो है वे भर्ती हैं, और 3 मर चुके, एक अब मरा है, 2। मुजफ्फरनगर में हुए हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है और राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। घटना जानसठ थाना क्षेत्र की है। वहीं सीएम योगी के निर्देश पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है और राहत कार्य जारी है। इसके लिए मौके पर करीब 15 से 16 जेसीबी बुलाई गई हैं। फिलहाल घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस प्रशासन भी मौके पर है और पूरी व्यवस्था की गई है। गैस कटर, गाड़ी पाइप और जेसीबी राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।